गजाना ऑटो सर्विस में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हीरो होंडा पैशन प्लस जो पुराना मॉडल था दोस्तों उसके बारे में, और ये गाड़ी का हमें क्लच प्लेट चेंज करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि कौन सी कंपनी की क्लच प्लेट अच्छी आती है जो आपको सस्ती भी पड़ेगी और इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और कौन सी गाड़ियों में ये क्लच प्लेट कॉमन आती है, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारा वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और दोस्तों मैं ये एक और चीज़ जिसका कई बार मुझे कमेंट में बताया था कि भाई हमें टाइमिंग चैन की जो टाइमिंग कैसे लेते हैं मैग्नेट में वो बता दीजिए, तो मैं थोड़ा सा इसका टाइमिंग चैन को भी हमें रिप्लेसमेंट करना है। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई, लेकिन फिर भी मैं इसका टाइमिंग चैन का जो टाइमिंग होता है वो कैसे लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले हमें क्लच प्लेट बदलने के लिए क्या खोलना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें ये ऑयल का गेज जो दिखा था इंडिकेट वो खोलना पड़ेगा। ये कीक है और यहाँ पे दो ये जो फुटरेस्ट है हमारे यहाँ पे दो 17 नंबर के बोल्ट है वो निकालने पड़ेंगे, ठीक है। डीले करने पड़ेंगे, इसको डीले करोगे इसको निकाल दोगे 10 नंबर का। और ये क्लच का वायर है जो हमारा केबल यहाँ पे, इस कवर को खोल के हमें क्लच वायर निकाल देना है इधर से, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारा क्लच कवर को खोलेंगे हम, तो मैं आपको पहले ये सब चीज़ निकालते दिखा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी ये मैंने कवर निकाल दिया है, कवर निकालने के लिए यहाँ पे एक फोरपे रहता है, एक सीट के नीचे यहाँ पे फोरपे रहता है, बाद में हमारा जो यहाँ का कवर होता है वो निकल जाता है, बाद में हमें जो क्लच केबल होता है ये वाला, तो ये क्लच केबल के को ढीला करके हमें इसको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है दोस्तों, ये क्लच केबल निकल गया है यहाँ से, ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी ये जो 17 के बोल्ट है वो यहाँ पे नीचे पे जो ये फुटरेस्ट होता है हमारा यहाँ पे, तो ये फुटरेस्ट होता है उसको निकालने के लिए मतलब ढीला कर देंगे हम, ताकि ये कवर बाहर आ सके, नहीं तो ये कवर यहाँ के अटक जाता है। तो उसके लिए हमें साइलेंसर निकालना पड़ेगा, तो साइलेंसर निकालने के लिए हमें ये 17 और ये 12 नंबर ये दो बोल्ट खोल देने पड़ेंगे, ठीक है। और बाद में तो कि बाद में जो साइलेंसर के आगे हेड के आगे जो 10 नंबर के दो बोल्ट दिख रहे हैं दोस्तों वो निकालने हैं हमें, तो वो अगर नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, थोड़ा सा ढीला कर दोगे तो साइलेंसर जो हमारा होता है वो बीच में यहाँ जो मैंने फुटरेस्ट का बताया ये वाला यहाँ पे थोड़ी गैप रह जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उसके कारण क्या हम हमारा स्पैनर होता है जो पाना वो ठीक तरह से अंदर जाएगा और हम ढीला कर सकते हैं उसको। तो ये था, अभी मैं इसको थोड़ा सा हल्के से बाहर निकाल देता हूँ, और यहाँ पे अभी देखो उसको ये स्पैनर जा रहा है अंदर, ठीक है, स्पैनर लग गया है उस पर। तो अभी मैं दोनों 17 के नट ढीले करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये खोल लिया है मैंने, और अभी जो ये फुटरेस्ट था वो हिल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके दोनों नट 17 के आते वो ढीले कर दिए। अभी ये पैशन गाड़ी है, तो पैशन गाड़ी में आता है, स्प्लेंडर में ऐसा नहीं आता, ठीक है दोस्तों। तो ये थोड़ी चीज़ ध्यान में रखिए, और क्लच कवर खोलने के लिए हमें ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती है, तभी हम क्लच का कवर होता है वो बाहर निकाल सकते हैं। और फिर आपको दिखाऊंगा मैं क्लच प्लेट कैसे बदलते हैं, कौन सी कंपनी की अच्छी आती है, एक मतलब जो क्लच प्लेट होती है ये पैशन की क्लच प्लेट है वो कौन सी गाड़ियों में कॉमन आती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तभी मैं किक निकाल के ये सारे जितने भी नट हैं वो सब खोल देंगे हम, और ये फ्यूल मतलब जो ऑयल इंडिकेट करने के लिए आता है देखने के लिए गेज ये, तो इसको भी मैं निकाल दूंगा और पूरा कवर निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि ये ऑयल गेज है, तो ये ऑयल गेज भी मैंने निकाल दिया है, ठीक है। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं मतलब कैसे चेक करते हैं ऑयल, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। और ये जितने भी नट्स हैं पूरे कवर के वो मैंने खोल लिए, देख सकते हैं आप, किक भी निकाल दिए। अभी कवर को बाहर निकालना है, तो कवर को बाहर निकालने के लिए हमें जो हमारा क्लच ठेसी वाला पोर्शन होता है यहाँ पे, ये वर्किंग डंडी है,
जो इसको ऐसे हल्के से ऊपर करोगे तो अपने आप कवर में बीच में जगह हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए और धीरे से हल्के से आप कवर निकाल दीजिए। कवर को थोड़ी देर ऐसे रहने देंगे ताकि जितना भी ऑयल है अंदर वो नीचे आ जाए ट्रे के अंदर। और ये सब करने से पहले सबसे पहले दोस्तों हमें जो ऑयल का बोल्ट होता है 17 का नीचे, वो हमें निकाल देना पड़ता है ताकि उसके कारण क्या है पहले से ऑयल नीचे आ जाए तो हमारा जो नीचे का भाग मतलब ये सब ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैंने ये क्लच कवर खोल दिया है, अब देख सकते हो। और यहाँ पे जो क्लच की ठेसी आती है, ये इसको क्लच ठेसी बोलते हैं, जो यहाँ पे लगती है, ठीक है, उसको मैं डिटेल्स में बताऊँगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी में दिक्कत क्या आती है। तो गाड़ी में हमें क्लच पेट एंड टाइमिंग चेन दोनों बदलना है इस गाड़ी में, लेकिन टाइमिंग चेन के लिए मैंने पहले ही एक वीडियो डाला है आपके लिए, तो वो तो आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा टाइमिंग चेन के लिए। लेकिन अभी आपको क्लच पेट कैसे बदलना है उसके बारे में बता देता हूँ। तो अभी इतना खोलने के बाद हमें ये 4 स्क्रू खोलने हैं और ये बैलेंसर है, मैगनेट बैलेंसर, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा खोल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये 4 जो पर्पल के स्क्रू है, उससे पहले मैं ये जो 10 नंबर के है सेंटर वाले, उसको ढीला कर दूंगा थोड़ा थोड़ा, ताकि जब ये खोलेंगे हम पूरा बाहर निकालेंगे तो फिर ये खोलने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो पहले से हल्के से मैं थोड़ा एक एक आटा घुमा लेता हूँ ताकि कोई परेशानी ना रहे बाद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी 3 खोल दिए, एक बाकी है। ठीक है, चारों ढीले हो गए, अभी ये 4 पर्पल वाले खोल लेता हूँ मैं। ये खोल दिया है, अभी इसके अंदर से ऑयल आएगा दोस्तों। देखो दोस्तों ऑयल निकला है, ठीक है, और इसके अंदर ये ऑयल सील आती है। ये ऑयल सील इसलिए दी जाती है कि यहाँ सिलकेज ना हो, और ये ऑयल हमारा सीधा क्रैंक में जाता है। वो कैसे वर्क करता है वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, ये ऑयल सील की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये ख़राब हो जाएगी तो समझ लेना कि आपकी जो क्रैंक होती है उसको ख़राब होने में ये रीज़न भी होता है कि यहाँ से जो अंदर क्रैंक, ये क्रैंक का पोर्शन है, और यहाँ से अंदर ऑयल नहीं पहुँचता। अगर यहाँ से ऑयल नहीं जाएगा क्रैंक के अंदर, तो क्रैंक की जो डंडी होती है हमारी वो टाइट हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको खोलते हैं हम, और इसको खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये नट पूरी तरह से टाइट होती है, मैंने थोड़ी सी ढीली करके आपको दिखा रहा हूँ, इसकी चूड़ियाँ सीधी आती है। ठीक है, हर गाड़ी में ऐसा नहीं होता। आप एग्जांपल लेने जाओगे तो पल्सर में एक जगह पे सीधी आती है तो हब होता है उसके अंदर उल्टी आती है, तो ये क्रॉस माइनस प्लस माइनस होता है, इसमें दोनों में सीधी आती है चूड़िया। ठीक है, तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखे। हीरो होंडा की गाड़ी होती है ज़्यादातर सब में सीधी आती है, हीरो की गाड़ी, अभी हीरो हो गया है तो हीरो की सब गाड़ियों में सीधा ही आता है जो चूड़िया होती है। और होंडा में देखने जाओ तो ईटन में उल्टी आती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। अभी इसके पीछे एक वॉशर आता है, ये रहा वॉशर दोस्तों। ठीक है, ये वॉशर है, ये वॉशर आता है, ये वॉशर के बाद नट आती है, और ये है बैलेंसर। बैलेंसर इसलिए दिया जाता है कि दूसरी तरफ हमारा इंजन के दूसरी तरफ मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट को बैलेंस करने के लिए, मैग्नेट को बैलेंस करने के लिए बैलेंसर दिया जाता है। ठीक है, अभी हम ये ऑयल ड्रेन, ये जो प्लेट है जिसके अंदर कलर प्लेट हमारी ऑयल से भीगी रहती है, वो प्लेट खोल देंगे। इसको खोलने के लिए 2 10 नंबर के बोल्ट दिए जाते हैं, अभी नई गाड़ियों में 8 नंबर के हो गए, तो ये प्लेट खोल देंगे हम। खोल के मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ऑयल भरा रहता है। ठीक है दोस्तों, देखो
इस प्लेट के अंदर ऑयल पड़ा रहता है, जिसके कारण जो हमारी प्लेट होती है क्लच प्लेट, वो ऑयल से भीगी रहती है। वो मैं इसको ये प्लेट खोल के आपको दिखाता हूँ। मैं ये चारों नट हमने पहले से ही थोड़े डिले कर दिए, तो इसको बार दूंगा। ये इसको सेंटर बोलते हैं और इसको बेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। और अभी इसको खोल देता हूँ मैं। तो इसको खोलते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखिए कि एक बोल्ट पे पूरा मत खोलिए दोस्तों, सामने ढीला कीजिए ताकि लोड ना रहे प्लेट पे। तो कई बार क्या होता है, लगाते वक्त या खुलते वक्त ये टूट जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये चारों नट मैंने खोल दिए है, 10 नंबर के नट आते हैं। और ये इसकी बेयरिंग, ठीक है। और ये चारों नट के पीछे एक वॉशर आता है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखें दोस्तों, ठीक है। और इसकी बेयरिंग का नंबर है 6001, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्लच पूरी टाइट रहती है, क्लच प्लेट नहीं डालो फिर भी क्लच टाइट रहती है, तो उसके पीछे रीज़न होता है, वाइब्रेट मारता है वो। जब गाड़ी क्लच छोड़ते हैं तो झटका लगता है, तो उसके पीछे भी ये रीज़न होता है बेयरिंग का, ठीक है। अभी मैं चारों स्प्रिंग निकाल देता हूँ। और ये बीच में जैसे मैंने आगे बताया, इसकी सीधी चूड़ियाँ आती है, तो मैं ये खोल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये नट मैंने खोल दिए, और अभी इसके पीछे भी एक वॉशर आएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, ये रहा इसका वॉशर। अभी बाद में इसको सीधा पकड़ूंगा मैं और बाहर निकालूंगा, ठीक है। इसके पीछे 3-4 वॉशर आते हैं, वो पूरी डिटेल में बताऊँ। पहले ये जो हमारा क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट का पूरा असेंबली, इसको साइड में रख देता हूँ, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको, लेकिन पहले वॉशर दिखा देता हूँ दोस्तों। एक ये वॉशर आता है, देखो इसके अंदर गैप दी होती है, ठीक है। गैप के बीच में दो छोटे कटिंग वॉशर आते हैं, और वो कटिंग वॉशर ये रहे, ठीक है दोस्तों। ये कटिंग वॉशर, ये दोनों कटिंग वॉशर, आप सोच रहे हो कि यार टूट गया, नहीं टूटा नहीं है, ये कटिंग वॉशर ही आते हैं। और एक वॉशर आता है, अभी एक वॉशर है, ये पतला वॉशर आता है, सिम्स वॉशर आता है एकदम, और इस पर एक्सेल का खांच दिया होता है, ठीक है। तो टोटल कितने वॉशर हुए, 4 वॉशर हो गए। भी इतना खोला है तो मैं आपको कटोरा भी खोल के दिखा देता हूँ। कटोरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। बीच में एक बूस आएगा, पीछे एक वॉशर आएगा, और ये हमारा प्राइमरी गियर है, ठीक है दोस्तों। ये है हमारा प्राइमरी गियर, और ये है इसका क्लच कटोरा, ठीक है। क्लच कटोरा है, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे ये इसका बूस आता है, बीच में एक वॉशर आता है, तो इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, इसको वैसे के वैसे रहेगी। कटोरा देख लेता हूँ मैं, कटोरा के अंदर यहाँ पे रबर दिए होते हैं, अगर रबर के अंदर प्ले हो गई होगी तो भी झटका लगता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर खांच दी हुई है, खांच हो गई है, आती नहीं है। जो हमारे क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट होती है, ये जो क्लच प्लेट होती है, ये बात जब क्लच चलाते और झटका देते तो यहाँ पे खांच हो जाती है, तो ये होनी नहीं चाहिए। ये हो गई है, तो हमें अभी थोड़ी सी हल्की सी खांच है,
तो मैं इसको घिस के चला लूँगा। अगर आप चाहो तो आप नया कटोरा डलवा सकते हो, और वो बहुत महंगा नहीं आता, 300 रुपये के आसपास रहता है। ठीक है, बाहर का लेने जाओगे तो कंपनी का लेने जाओगे शायद 400-500 का आएगा। ठीक है, कटोरा कैसे लगाते हैं वो भी बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जो रिवेट दिए हुए हैं चारों तरफ पीछे की तरफ, तो यहाँ पे अंदर रबर आते हैं, चक्कर का तो चक्कर तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो एल्यूमिनियम का पोर्शन है पूरा वही बदला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको घिस के ठीक तरह से कर दूंगा और आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, हमें क्लच प्लेट बदलने के पीछे का जो रीज़न होता है, गाड़ी जब हम क्लच दबाते तो रेस लेती थी थोड़ी, और इसकी पिकअप बहुत कम हो गई थी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम क्लच प्लेट और देख लेते हैं अभी क्लच प्लेट चलने प्रेशर प्लेट चलने जैसी है नहीं। इसके अंदर जो लोखंड की प्लेट आती है तो वो चलने जैसी या नहीं चलने जैसी वो देख लेते हैं। पहले मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये पूरा असेंबली, और इसको खोलने के लिए हमें कुछ नहीं, ये निकल गया दोस्तों। ठीक है, अभी ये सेंटर ही है एक, अभी ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट चलने जैसी है दोस्तों। देखो दोस्तों, पूरी ठीक तरह से कहीं से भी मतलब जला नहीं है। नहीं तो क्या, कई बार क्या होता है ये क्लच प्लेट जल जाती है और प्रेशर प्लेट भी इतना लोड आ जाता है कि यहाँ पे सब जगह पे काला काला हो जाता है। तो ये चलने जैसी है, तो ये इसको हम साइड में करेंगे, बाद में दूसरी क्लच प्लेट है। ये प्रेशर प्लेट है, ये क्लच प्लेट, ये प्रेशर प्लेट। दोस्तों, इसमें तीन ही प्रेशर प्लेट आती है। ठीक है, प्रेशर प्लेट तीन आती है एंड क्लच प्लेट चार आती है। दो प्रेशर प्लेट है जो हमारी, जो दोनों सेंटर होते हैं उसको गिना जाता है। ठीक है, तो मतलब तीन प्रेशर प्लेट है, ये तीन प्रेशर प्लेट है और चार क्लच प्लेट आती है। अभी कौन सी गाड़ी मतलब कौन सी कंपनी की, अगर आप कंपनी की ओरिजिनल लेने जाओगे तो मेरे ख्याल से 390 के आसपास रहती है। अगर मार्केट से लानी हो और अच्छी वाली लानी हो तो कौन सी कंपनी की आएगी वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको तो आपको ओरिजिनल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मार्केट से अच्छी वाली आती है वही हम डाल देंगे, जो लंबे समय तक चलती है वो कोई दिक्कत नहीं होता। निकालते वक्त जो पैकिंग था वो बिल्कुल सही का सही है, तो उसको तो हम साफ करके लगा देंगे। और यहाँ पे अभी इतना खोला है तो हम इसको ठीक तरह से वॉश कर देंगे डीजल से और ड्रेन करके बाहर निकाल देंगे पूरा वही, मतलब जो हैमरी है उसके अंदर वो। ठीक है, तो अभी इतना ही, अभी मैं जो ये कटोरा था उसको साफ करवा देता हूँ, ये वाला कटोरा पे जो खाँच हो गए थे नॉर्मल। ठीक है, ये वाले चारों तरफ हो गए, तो उसको मैं थोड़ा घिस लेता हूँ और ठीक तरह से कर देता हूँ, क्योंकि चलने जैसा है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। और जितने भी मैंने आइटम खोली सबको वॉश करके बाद में फिटिंग आपको समझाता हूँ क्लच प्लेट नहीं लाके। तो फ्रेंड्स, जब क्लच का काम कर रहा हो तो मुझे इस गाड़ी का टाइमिंग चेन भी बदलना है, और मैंने खोल के पूरा रखा है, तो मैं आपको टाइमिंग दिखाना चाहता हूँ टाइमिंग चेन के बारे में। मैंने वीडियो अपलोड की है दोस्तों, लेकिन क्या उसमें कोई भाई की कमेंट आएगी, भाई ये पैसम प्रो का टाइमिंग मुझे ठीक तरह से समझाओ, तो उसका टाइमिंग कैसे लेते दोस्तों। ठीक है, तो पहले एक ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर चाबी दी हुई है, इसको की बोलते हैं, मैगनेट की जो मतलब सॉरी ये क्रैंक की जो डंडी आती है, क्रैंक आती है उसके ऊपर ये कांच दी होती है उसके अंदर, इसको चाबी बोलते हैं हम, जो हमारा मैग्नेट होता है। फ्रेंड्स एक मिनट ना, दिखा देता हूँ आपको, ये मैग्नेट होता है उसके ऊपर एक कांच दी होती है, ये वाली, ये कांच के अंदर ये चाबी लग जाती है। और इसका टाइमिंग कैसे लेना है, तो दोस्तों अगर आपको मैग्नेट पर ठीक तरह से दिख नहीं रहा है तो आपको ये जो चाबी होती है उसको यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ठीक इसके सामने, और जो एरो होता है हमारा चक्कर का वो यहाँ पे एरो दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके सामने ला जाइए। अगर ऐसे नहीं लेना तो जो मैग्नेट होता है हमारा ये वाला, उसको बिठा दीजिए, मैं बिठा देता हूँ दोस्तों। मैंने देखिए, मैंने बिठा दिया है,
और इसका टाइमिंग ले लेता हूँ। ये रहा, ये जो टी होता है हमारा, बिल्कुल यहाँ पे खांच दी हुई है, ठीक है। ये खांच पे यहाँ पे टी का मार्का होता है, ये टाइमिंग का, तो ये ला दीजिए और यहाँ पे खांच देख लीजिए दोस्तों। ये जो डॉट दिया हुआ है बिल्कुल इसके सामने होना चाहिए और यहाँ पे एक खांच दी हुई है, ठीक है। तो ये क्लच प्लेट का मैं समझा रहा था बात, लेकिन साथ में मुझे टाइमिंग चेन भी बदलनी थी, मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। ये चीज़ थोड़ी नेसेसरी है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया टाइमिंग चेन का, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने क्लच के अंदर से जो कवर निकला उसके अंदर से सारी आइटम को ठीक तरह से डीजल वॉश कर दिया है और आप देख सकते हैं। और जो ये कटोरा था उसको भी मैंने, जो ये कांच बढ़ गई थी उसको थोड़े से लेवल मिला दिया है, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल, पहले ज़्यादा था अभी थोड़ा नॉर्मल घिस दिया है मैंने फाइल से, ताकि इधर बीच में थोड़ी गैप तो हो जाएगा दोस्तों, लेकिन ये अभी चलने जैसा है तो इसके ऊपर थोड़ा खर्चा कम करेंगे हम। और ये रही हमारे क्लच पैड दोस्तों, और ये कंपनी की क्लच पैड है दोस्तों, आप इसको डालोगे तो ओरिजिनल जैसा रिजल्ट मिलेगा आपको एंड्योरेंस का। और ये रही हमारी प्रेशर प्लेट, इसको भी मैंने थोड़ा घिस दिया है, ठीक तरह से कर दिया है, ठीक है। तो अभी इसका फिटिंग शुरू करते हैं, सीधा गाड़ी पे ले चलते हो आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आगे वॉशर आता है, बाद में बुश आता है और उसके ऊपर ये कटोरा आएगा, ठीक है। कटोरा बैठ गया है और ये हमारा प्राइमरी गियर, ठीक है। अभी इसके ऊपर हमें जो वॉशर आता है वो लगाना है, तो वॉशर लगाने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रीस चाहिए होगा, मैं लगाते वक्त दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं इसको। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमें ऐसे हल्के से यहाँ पे ग्रीस थोड़ा सा लगा देना है, ताकि हम जो वॉशर लगाने वाले दोस्तों वो वॉशर उसकी जगह पे ठीक तरह से बिठा रहे, नहीं तो क्या होता है फिट करते वक्त खिंच जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पतला सा वॉशर आएगा, स्टील वॉशर, जिसके अंदर कट दिया होता है, ठीक है। तो इसको पहले हमें बिठाना है ऐसे, ये बिठा के बाद में दो छोटे वॉशर रहते जो कटे हुए आते हैं, तो इसको लगाना है हमें। और यहाँ पे ये लगाने के लिए हमें ग्रीस लगाना पड़ता है, क्योंकि ये वॉशर जब फिट करते हैं हम तो गिर जाते हैं, तो यहाँ पे जगह दी होती है दोस्तों एक, और इस जगह में हमें बिठाना है। बाद में ये वॉशर आएगा जिसके अंदर जगह दी होती है, तो दोनों जो कट वाले वॉशर होते हैं इसके अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हमें इसको लगाना है बाद में। अभी जो हमारे दोनों सेंटर है क्लच के, उसके अंदर हमें क्लच प्लेट एंड प्रेशर प्लेट बिठा रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके अंदर हमें क्लच प्लेट बिठा रही है जो एंड्योरेंस कंपनी की आती है, ठीक है। और मैंने इसको दिया है, तो ये ऐसी आती है दोस्तों, पहले हमें ये क्लिप निकाल देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये हमारी प्रेशर प्लेट गिन लेते हैं इसको, तो एक क्लच प्लेट एक प्रेशर प्लेट आती है, तो वैसे ही ठीक तरह से हमें एक क्लच प्लेट बिठानी है, जो आप कोई भी साइड बिठा सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि इस तरफ बिठाओ, ठीक है। अभी क्लच प्लेट बिठाने के बाद ये हमारी प्रेशर प्लेट है तीन, तो उसमें सेटिंग आता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जो ये जो पोर्शन होता है वो थोड़ा ककरा रहता है और ये थोड़ा सपाट रहता है, ठीक है। तो हमें इसको इस तरह से, जो ककड़ा वाला पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन हमें ऊपर की साइड रखना है, ठीक है। बाद में फिर से एक क्लच प्लेट डालनी है, बाद में फिर से एक प्रेशर प्लेट, जितनी भी प्रेशर प्लेट डालो उसका जो ये पोर्शन होता है ये यहाँ पे, वो ककड़ा वाला ऊपर की तरफ रखें, ठीक है। बाद में एक क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट एंड एक क्लच प्लेट, ठीक है दोस्तों। अभी ये इतना
इतना हो गया है, और इतना होने के बाद हमारा ये मतलब सेंटर की जो प्लेट होती है इसको डाल देंगे हम अंदर। ठीक है, तो ये हो गया है सामने पूरा रेडी। ठीक है, अब ये पूरा रेडी हो गया है। अभी सीधा हमें इसको बिठाना है, बाद में एक ऊपर एक वॉशर और एक नट आएगा, तो इसको बिठाने के लिए हमें ऐसा करके इसको घुमाना है दोस्तों। ये अच्छी तरह से बैठ गया है, देखो दोस्तों। अभी इसके ऊपर एक वॉशर आएगा एंड एक नट आएगी। ये रहा वॉशर इसका, तो सबसे पहले मैं वॉशर मिला देता हूँ, और ये नट जिसकी ऊपर जो चूड़िया होती है वो बिल्कुल सीधी रहती है। ठीक है दोस्तों, अभी तो ये लग गया है, तो मैं इसको टाइट कर देता हूँ ठीक तरह से ये बोल्ट को, और फिर आपको दूसरा वाला समझाता हूँ इसका ऊपर का जो सेंटर प्लेट आती है उसको कैसे बिठाते हैं। दोस्तों ये नट ठीक तरह से मैंने कस लिए, और अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये नट कस लेते हैं हम, तो हमारी क्लच प्लेट सही बिठी है नहीं बिठी वो कैसे चेक करते हैं। दोस्तों देखो, ये क्लच प्लेट अभी हिल रही है। ठीक है, ये जो अगर ये हिलती नहीं है तो इसका मतलब कि हमारी क्लच प्लेट में बिठाने में कोई गलती हुई है, ये हिलनी चाहिए। अब हम ये जब चार स्प्रिंग है हमारे पास, चारों स्प्रिंग इधर लगा के इसका सेंटर टाइट कर देंगे, तब ये क्लच प्लेट हिलनी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात थोड़ी ध्यान में रखिए। अभी मैं चारों स्प्रिंग इधर बिठा के इसका जो सेंटर होता है वो ठीक तरह से टाइट कर दूंगा मैं, और इसके ये चार बोल्ट है, ठीक है। तो इसको लगाना कैसे, जैसे मैंने बताया आपको कि आप सामने क्रॉस में टाइट कीजिए ताकि ये ब्लेड टूटे नहीं, नहीं तो ये ब्लेड कई बार क्या होता है, एक आप यहाँ टाइट करते हो बाद में यहाँ करते हो तो ये प्लेट क्रैक हो जाती है, और ये एल्यूमिनियम की आती है, महंगी नहीं आती दोस्तों, लेकिन ये टूट जाएगी तो काम बीच में अटक जाता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है, तो अभी इसको मैं टाइट कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको ठीक तरह से कस लिया है, और अभी ये क्लच प्लेट है वो हिलती नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी रेडी हो गया है। अभी इसके नीचे जो ऑयल ट्रे रहती है जिसमें क्लच प्लेट भिगी रहती है ऑयल के अंदर, वो लगाना है, और जो बैलेंसर होता है मैग्नेट का उसको लगाना है हमें। तो कैसे लगाना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, इधर तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अभी ये बेरिंग लगानी है हमें, जो बेरिंग इधर आती है इसको क्लच की बेरिंग बोले जाता है, और मैंने पहले इसका नंबर आपको बता दिया है कि ये 6001। ठीक है दोस्तों, 6001 नंबर की बेरिंग आती है। अभी एक और बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, ये ऑयल सील के बारे में मैंने बोला था आगे कि इसके बारे में समझाऊँ बताऊँगा पूरी डिटेल्स में। तो ये दोस्तों, ये ऑयल सील होता है जो यहाँ पे ही बिठ जाता है, ऐसे बिठाते हैं तो यहाँ से जो हमारे इंजन मतलब जो क्लच का कवर होता है, क्लच का कवर दोस्तों, तो ये ऑयल पम्प है हमारा। जब ऑयल पम्प है वो नीचे से ऑयल लेता है और ऊपर इधर से छोड़ता है, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। जो हमारे वाल होते हैं
वाल होते हैं यहाँ पे, जो वाल होते हैं उधर जाने के लिए ऑयल छोड़ता है ये ऑयल पंप। तो ये ऑयल पंप किस तरह से काम करता है कि नीचे से ऑयल छोड़ता है, इधर से होल में से सीधा इधर क्लच कवर में इधर आता है, ये ऐसे बिठा दे हम तो क्लच कवर के अंदर यहाँ पे वो ऑयल छोड़ता है, और इसके थ्रू जो हमारा ऑयल होता है वो यहाँ पे ये जो भाग दिया है हमारा, ये है क्रैंक, तो क्रैंक के अंदर जाता है। अगर ये ऑयल सील खराब हो गया होगा हमारा ये वाला, तो आपकी क्रैंक की जो डंडी होती है वो पूरी तरह से जाम हो जाएगी और क्रैंक आवाज़ करने लगेगी। तो अभी ये तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आप खोलो तो इसको देख लेना, ज़रूर नेसेसरी है, अगर ये ख़राब लगता हो तो आप बदल ही लीजिए, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से सारा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। और इसके चार स्क्रू आते हैं जो छोटे छोटे चार बेल वाले, तो उसको टाइट कर देता हूँ और आगे बताता हूँ। दोस्तों गाड़ी का पूरा क्लच का काम ख़त्म हो गया है, अभी लास्ट में ये चीज़ दिखा देता हूँ कि ये जो क्लच डंडी है दोस्तों ये कैसे वर्क करती है। तो आप जैसे क्लच वायर ऊपर क्लच वायर दबाते हो तो डंडी जो ये वाले होते हैं ऐसे लगाते हम तो ये ऊपर आती है, ठीक है दोस्तों। जैसे ऊपर आएगी तो क्लच कैसी होती है वो बाहर की तरफ आती है, देखो दोस्तों ऊपर आ गई है। अभी मैं इसको दबा देता हूँ वापस, अभी ये जो डंडी है मैं इसको घुमाऊँगा तो क्लच कैसी ऊपर आएगी, ठीक है दोस्तों। जैसे ये ऊपर आती है तो ये पूरी बेरिंग को दबाती है, और बेरिंग को दबाती है तो क्लच हमारी फ्री हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अभी मैं इसको फिट कर देता हूँ, और इसका ऑयल सील जो है किक का ये वाला मैंने निकाल दिया है, उसको भी नया लगा देंगे ताकि लीकेज का कोई प्रॉब्लम रहे नहीं, ठीक है। तो क्लच कवर मैंने अभी टेम्पररी बिठा है, और एक बात और बता दूँ कि अभी क्लच कवर ठीक तरह से क्लच वर्किंग कर रही है तो कैसे पता चलता है, तो ये जो हमारी टीसी होती है क्लच की डंडी उसको हम ऊपर की तरफ लेके जब मतलब क्लच दबाते हैं तो ये ऊपर की तरफ आती है। अगर ऊपर की तरफ आएगी और ये कवर खुलेगा बाहर की तरफ, देखो दोस्तों अभी ठीक तरह से गिर जाए। अभी मैं इसको ऊपर करता हूँ, ऊपर करता हूँ तो देखो दोस्तों बाहर आती है, ठीक है क्लच कवर। फिर से फिट कर देता हूँ और फिर से आपको दिखाता हूँ ये। हाँ दोस्तों अब ये कम्पैक्ट 0-0 हो गया है, और इसका फिटिंग मैं कर देता हूँ। फ्रेंड्स क्लच का पूरा काम ख़त्म हो गया है, गाड़ी के अंदर मैंने ऑयल भी डाल दिया है। अभी उस तरफ जो टाइमिंग चेन का काम था वो भी मैंने ठीक तरह से निपटा दिया है पूरा। अभी इस गाड़ी का मैं राउंड लगा के आपको रिव्यू देता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों गाड़ी का रिजल्ट एकदम बढ़िया मिला है हमें, और जैसे मैंने बताया उसी कंपनी का आप जो मैंने प्रीफर किया वही यूज़ कीजिए, ताकि आपकी गाड़ी का भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। दोस्तों इसका एक और प्रॉब्लम था जो था हैंडल का, और हैंडल का अंडर जो बूस आते हैं वो भी मैंने चेंज कर दिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे दोस्तों हैंडल के बूस, और ये जल्दी जाते नहीं है, लेकिन अगर आपका हैंडल ये हैंडल अगर वाइब्रेट करता हो बहुत ज़्यादा तो या नीचे इसके बूस आते हैं वो भी चेंज करवा दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए इतना ही था, जय हिंद वंदे मातरम।